हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं 2 दिन से अपने घर पे हूँ, घर पे आई हूँ। तो मैंने आज भी शाम का घर से ही ब्लॉग में बना रही हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दें। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी माई चैनल प्रीति सिंह ब्लॉग। और मुझे इतना नॉलेज है नहीं इसके बारे में, मुझे बहुत लोगों ने बोला, बहुत प्रेशर दिया, फिर मैं वीडियो बनाना चालू की हूँ कि तुम बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं वीडियो चालू की हूँ। और जो गलत सही धीरे धीरे सीखूंगी, कोशिश भी करती हूँ सीखने का। तो थैंक यू सो मच जो सपोर्ट अभी किए हैं और आगे भी करते रहें। बाकी का मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूँगी। देखो साहिल अभी को नहा रहा है, वो भी कैसे नहा रहा है, देखो बहुत शर्मा रहा है, उसको शर्म आ रहा है धूप से या हम लोग से। साहिल प्लीज ओपन द फेस। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको कल या परसों वाले वीडियो में दिखाया था कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ थे। तो जिनका बगीचा था उन्होंने सारे बगीचे के पेड़ बेच दिए। देख रहे हैं आमने सामने सब कटा हुआ है, सब पेड़ कट गया, अब अच्छा नहीं लग रहा, सूना सूना लगेगा। बगीचा सामने दिखा रहे हैं, पूरा बगीचा उन्होंने आसपास का सब कटवा दिए। बहुत ही प्यारा बगीचा था। पंडित जी शायद नया बगीचा लगवाएंगे। तो गाइज़, आप लोग भी अपने घर के आसपास अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाइए। वैसे ये कोई ख़ास पेड़ नहीं था, बबूल का पेड़ था। तो शायद इस बार ये आम अमरूद इन सब का बगीचा लगाएंगे। तो आप भी अपने घर के आसपास बगीचा लगाइए। और ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बगीचा। यहाँ पहले और भी पेड़ थे, जो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ बहुत आम उम खाते थे पंडित जी का, तोड़ तोड़ के चोरी चोरी। ये देखिए गाइस, ये पीपल, मुझे पीपल का पेड़ बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत विशाल होता है और इससे रियल ऑक्सीजन भी मिलता है। अब हम ऐसे ही घूमते घूमते पंडित जी के घर ही जा रहे हैं, जिनका बगीचा आपको दिखाया। ठीक है, अच्छी पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, हम जैसे बता रहे थे कि हम जा रहे हैं पंडित जी के यहाँ। तो ये भाभी हैं, हम जब भी आती है लीडो बहुत तेज खेलती हैं। ठीक है, अब आए हैं, अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इनके साथ लीडो खेलेंगे, ये बहुत तेज हराती हैं। इसके बाद ये देखिए भाभी हैं, इनके पास हम ही आते हैं हमेशा लीडो खेलने के लिए। तो मिलते हैं लीडो खेलने के बाद। तो गाइस ये देखिए, ये मेरी भौजाई लगती हैं, और भौजाई भी हैं, और ऊपर से इनका पद भी भौजाई का भी, ऊपर से पंडिताइन भी हैं। और आज ही पूरी और सब्जी का दावत दे रही हैं, हमें पालकी काटने खेत में आई हैं। तो आप लोग भी खाने आ जाइएगा। ये देखो मेरे बाबू यानी कि मेरे दादाजी पूजा कर रहे हैं अपने कोठरी में बैठ के। तो मेरे बाबू जी बहुत बड़े पुजारी हैं। और गाइज ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग ये बाबूजी अपने हाथ से बनाया है ओम का। और ये यथार्थ गीता है, जो हमारे गुरुजी यानी कि स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी का है, और वो श्रीमद्भुत भागवत गीता। ये यही तीन चीज का पूजा करते हैं। हाँ, मेरे बाबा जी टीचर रह चुके हैं, तो ये किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते हैं। गाइस ये कुरान भी रखे हैं, और बहुत ही उसको भी बारीकी से ये पढ़ते हैं। तो आप इनसे कुरान, गीता, रामायण कुछ भी पूछ लीजिए, कहीं से भी ये बता देंगे। और एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता का जो संस्कृत में है, उसे पूरा हिंदी में लिख डाले हैं। अब इतना पैसा होना चाहिए कि इनका गीता वो छपाया जाए गोरखपुर जाके। और अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि बाबा जी को वादा बहुत लोगों ने किया, पर किसी ने उसको पूरा नहीं किया। बट मेरा सपना है कि मैं इनका वो पूरा करूं, उसके लिए मुझे आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। और बाबा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, 80-82 साल के हो चुके होंगे, तो तबीयत थोड़ी सी रहती है नाजुक। फिर भी पूजा पाठ दोनों टाइम चलता रहता है इनका,
और ये जिस पे सोते हैं, आप जैसा साइड में देख रहे हैं ना, ये अपना सारा गीता रामायण सब कुछ लेके डायरी पेन सब सोते हैं बगल में, आधे में सोते हैं आधे में इनका सारा सामान रहता है। क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? हाय बोलो, हाय ऐसे इधर इसमें देख के बोलो, हाय हाय गाइस बोलो, ऐसे हाथ करके बोलो हाय गाइस। गाइस ये ननिहाल में आया है, ये है मिर्जापुर का बहुत बदमाश लड़का। कौन लड़का? बदमाश लड़का, बोलो बदमाश लड़का। बाबू मोबाइल ले लो। नहीं नहीं। तो गाय जब चलते हैं मुंह पर, गाय ये देखो मेरी सौतेली मम्मी, गाय ये मेरी सौतेली मम्मी है, मम्मी देखो जरा सौतेली मम्मी सौते देखो नई नई वाली दुल्हन आई है नहीं 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 मेरी नहीं, ये मेरी चाची हैं और ये सौतेली मम्मी, ये लोग खाना बना रही हैं। बोलो 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 बोलो, चली जाओ। ये देखो गाय, ये सौतेली मम्मी है, ये प्रूफ कर दी। देखो गाय ये मुझे खाना नहीं देती है, मेरे हाथ बन में।